मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, ऑरा क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज हम दो मुहे बालों के बारे में बात करेंगे। दो मुहे बाल को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है। दो मुहे बाल एक तरह का एक बालों में एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि बालों का आखिरी हिस्सा छोर स्प्लिट मतलब दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। कभी कभी रेयर ये तीन हिस्से में भी बटे हुए होते हैं। जैसे बांस के टुकड़े को हम तोड़ते हैं तो इसमें टुकड़े होकर के जैसे अलग हो जाते हैं, उसी तरीके से बाल भी हमारे दो अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? दो मुहे बाल को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय, पहला, हमको बाल को बार 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 कटवाते रहना चाहिए। ये अधिकतर समस्याएं महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती हैं, तो इसी कारण हमको किनारे हिस्से को बार 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 बाल को ट्रिमिंग कटवाते रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है, हमको बालों में हमेशा शैम्पू करने के बाद में कंडीशनर का उपयोग करना चाहिए। कंडीशनर कैसे उपयोग करें? बाल शैम्पू से धोने के पश्चात 3 मिनट के बाद में कंडीशनर को बालों में लगा करके, लेकिन ध्यान रखें बालों में आपको लगाना है, सिर के हिस्से तक नहीं लगाना है, जो नीचे तरफ के बाल होते हैं उनमें आपको लगा करके 5 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट तक को छोड़ना एक नॉर्मल कंडीशनिंग कहते हैं। अगर हमको कभी डीप कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, डीप कंडीशनिंग जिसमें 15 से 20 मिनट तक के लिए हम कंडीशनर को छोड़ सकते हैं बालों में, जिससे कि डीप कंडीशनिंग मिलती है और हमारे स्प्लिट इंड काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। तीसरा चीज़ है, हमारे बालों को ज़्यादा गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, गुनगुना पानी या हल्का ठंडा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा चीज़ ये है, बालों को धोने के बाद में रगड़ कर पोंछना या रगड़ कर धोना नहीं चाहिए, केवल सॉफ्ट टॉवल से बालों को बांध लें और उसके बाद में उसको आहिस्ते या बड़े कंघी, बड़े दाने वाले कंघी से आप क्लीन कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है, बाल को धोने के बाद में उसको झटके ना, ना ही उसको रगड़ें और छोटे दाने वाले कंघी का इस्तेमाल ना करें। अगला पॉइंट है कि आप इसमें ध्यान रखें कि कुछ डाइट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे आपको प्रोटीन डाइट, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट और ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। फ्रूट्स में कैसे फ्रूट्स लें आप? फ्रूट्स में हमेशा हम यही एडवाइस देते हैं, हेयर फॉल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, स्प्लिट इंड्स या गंजेपन वालों के लिए जो सीजनल फ्रूट्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं उन्हीं का सेवन करें। साथ ही साथ में अंकुरित चने, मूंग दाल, इसका सप्ताह में 2 से 3 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं वीडियो अच्छा लगा, क्या कमी रह गई, जैसा आपको लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।